हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस चैनल में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो एडिटिंग के बारे में। दोस्तों, आज का जो दौर है इसमें सबसे ज़्यादा हमें वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हम चाहते हैं कि वीडियो एडिटिंग आप आसानी से सीख सकें। इसके लिए जो मैंने वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर लिया है वो है मोवावी का वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर। ये यूज करना काफ़ी आसान है, इससे आप काफ़ी अच्छे तरीके से वीडियो एडिटिंग करना सीख सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर का ओपन होने के बाद इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो सबसे पहले हमें न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, इस तरह से। अब हमें जो हमारी क्लिप है उसको ऐड करना है। इसके लिए ऐड मीडिया फाइल पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हम मीडिया की जो फाइल है हमारी उस पर उसको लेके आएंगे। अब हमें वीडियो को प्ले करना है, इसके लिए स्पेस बटन से इसको प्ले कर सकते हैं या आप यहाँ क्लिक करके इसको प्ले कर सकते हैं। जैसे आप इसको स्पेस से भी प्ले कर सकते हैं, इस तरह से। आप चाहे तो इस वीडियो को कट कर सकते हैं, इसके लिए इस बटन से इसको कट कर सकते हैं यहाँ से, या आप कंट्रोल बी से इस भी इसको कट कर सकते हैं। कंट्रोल बी दबाएंगे, इस तरह से ये क्लिप अलग हो जाएगी और ये क्लिप हमारी अलग हो जाएगी। जैसे हमें ये क्लिप इसको डिलीट करना है, तो इसके लिए यहाँ डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे या कीबोर्ड के अंदर डिलीट बटन प्रेस करेंगे, इस तरह से। इसके बाद अगर हमें क्लिप के अंदर स्लो मोशन ऐड करना है, तो इसके लिए प्रॉपर्टीज़ के इस बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसकी स्पीड कम कर देंगे, सिंपल। अगर आप इसको बड़ी स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे, इस तरह से। अब इसको प्ले करेंगे स्पेस दबा के, ये देखिए। अगर हमें इसकी स्पीड बढ़ानी है हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं, इस तरह से। वापस इसको प्ले करेंगे, फुल स्क्रीन हटाने के लिए कीबोर्ड के अंदर एस्केप का बटन दबाएंगे, इस तरह से। अगर वापस हमें वीडियो को नॉर्मल करना है तो इसकी स्पीड हम वापस 100% कर देंगे। वापस जैसा हमारा वीडियो था उस तरह से स्पीड इसकी वैसे ही हो जाएगी। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि इसके अंदर मल्टी क्लिप ऐड करें, इस बटन पर क्लिक करेंगे, ऐड मीडिया फाइल पर क्लिक करेंगे। वापस उसी तरीके से कोई भी नई क्लिप आप ले सकते हैं, इस तरह से। ये हमारे पास दो क्लिप आ गई, एक पहले वाली हमारी यही और दूसरी ये क्लिप। हम चाहते हैं कि ये क्लिप यहाँ से लेकर यहाँ तक रहे और बाकी का डाटा हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कैंची द्वारा इसको कट कर देंगे या इसमें कंट्रोल बी दबाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और इसको डिलीट बटन से इसको डिलीट कर देंगे, इस तरह से। अब इसको हम प्ले कर सकते हैं, स्पेस से इसको प्ले करेंगे। पहले वाली हमारी ये क्लिप आ जाएगी, उसके बाद जस्ट ये दूसरे वाली क्लिप इसके अंदर आ जाएगी। दोस्तों, ये दो टाइमलाइन इसके अंदर दिख रहे हैं, ये ऊपर वाला वीडियो का टाइमलाइन हो और नीचे ये ऑडियो का टाइमलाइन है। अब हम चाहते हैं कि ये दो क्लिप के बीच में कोई ट्रांजेक्शन का इफेक्ट आए, तो इसके लिए यहाँ क्लिक करेंगे। इसके अंदर काफ़ी सारे इफेक्ट है, आप कोई भी इफेक्ट क्लिक करके इसको देख सकते हैं, इस तरह से। कोई भी इफेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस स्क्रीन पर आपको ये इफेक्ट दिखा देगा कि ये इफेक्ट इस तरह से आपका ये आएगा। जैसे ये इफेक्ट आ रहा है, इसको हम वीडियो के बीच में ऐड करना है, तो इसको माउस से इस पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ वीडियो के बीच के अंदर, दोनों क्लिपों के बीच के अंदर इसको सिंपल हमें रखना है, इस तरह से। स्टार्टिंग में जाएंगे, इसको प्ले करेंगे, तो इस तरह से ये हमारा इफेक्ट आ जाएगा। और भी इसके अंदर इफेक्ट दे सकते हो, सिंपल हमें इफेक्ट पर क्लिक करना है और इसको यहाँ सीधा इस पर रखना है, इस तरह से प्ले करेंगे तो ये इफेक्ट इस तरह से आएगा। इसके अंदर काफ़ी सारे, जैसे फेड के हमारे पास काफ़ी सारे इफेक्ट है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे बेसिक इफेक्ट है पर है सारे बढ़िया, काफ़ी सारे आप फेड के इफेक्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हम इसका ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी सेट कर सकते हैं, तो जैसे इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये कलर एडजस्टमेंट की तो ये टैब खुल जाएगी,
जैसे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑटो एडजस्टमेंट का और दूसरा मैनुअल एडजस्टमेंट का। हम ऑटो भी एडजस्ट कर सकते हैं, मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे मैनुअल के अंदर ऑप्शन है, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सेचुरेशन, हाईलाइट, गामा शेडो और टेम्परेचर वगैरह इसका सेट कर सकते हैं। ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, सेचुरेशन इसका बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। सेचुरेशन जैसे इसका कलर हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। हाईलाइट जैसे हमारी स्क्रीन है, वाइट ज़्यादा है हमारी स्क्रीन के अंदर, तो इसको कम कर सकते हैं। ये सारे गामा शेडो वगैरह के इसके अंदर काफ़ी सारे कलर इफेक्ट है, आप इसको कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। अगर हमें वीडियो को क्रॉप करना हो तो इस क्रॉप के बटन पर क्लिक करेंगे, इस तरह से हम वीडियो को यहाँ से छोटा करके माउस द्वारा इसको क्रॉप कर सकते हैं। इतना करने के बाद अप्लाई करेंगे, यहाँ से अप्लाई करेंगे तो इतना क्रॉप हो जाएगा। अभी हमें क्रॉप नहीं करना है तो इसको कंट्रोल जेड से आप इसको अंडू कर सकते हैं, यानी वापस ला सकते हैं। कंट्रोल जेड दबाएंगे इस तरह से। अब इसके बाद जैसे हमें इसके अंदर फिल्टर ऐड कर सकते हैं, जैसे ये हमारा वीडियो है, इसके अंदर हम फिल्टर ऐड करना चाहते हैं। जैसे हमें ये शेकी का फिल्टर ऐड करना है तो सिंपल इसको यहाँ से इस वीडियो के ऊपर रख देंगे इस तरह से। इसको फुल स्क्रीन करके प्ले करके देखते हैं, यहाँ से फुल स्क्रीन करेंगे, स्पेस द्वारा इसको प्ले करेंगे इस तरह से। ये शेक कर रहा है वीडियो, इस तरह से ये इफेक्ट है इसका। ओल्ड मूवी का विंटेज का फिल्टर है, इसको सिंपल यहाँ से वीडियो को ऊपर रख देंगे इस तरह से। फुल स्क्रीन करके इसको प्ले करके देखते हैं तो ये ओल्ड मूवी का जैसे इफेक्ट लग रहा है। लाइट लीक के काफ़ी सारे इसके अंदर फिल्टर है, आप इनको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं वीडियो के अंदर। जैसे इस लाइट पर हम क्लिक करेंगे और इसको वीडियो के ऊपर ले आएंगे इस तरह से, तो ये लाइट इस तरह से आ जाएगी। आप कोई भी ये लाइट आप ला सकते हैं, आप सिंपल इस पर क्लिक करना है और वीडियो के ऊपर रखना है इस तरह से। तो इसके अंदर काफ़ी सारे इसके अंदर ये फिल्टर है, आप एक एक करके सबको वीडियो के ऊपर लगा के देख सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर रेस्ट्रो के काफ़ी सारे फिल्टर हैं, जैसे हमें ब्लैक एंड वाइट करना है, ये कलर करना है, ओल्ड मूवी का ब्लैक एंड वाइट फिल्टर इसके अंदर लगाना है, तो इस फिल्टर पर क्लिक करेंगे और वीडियो के ऊपर ले आएंगे इस तरह से। वीडियो पे टेक्स्ट ऐड करना है तो इसके लिए इसके अंदर काफ़ी सारे स्टाइल या टेक्स्ट के आप कोई भी स्टाइल ला के इसके ऊपर दे सकते हैं। जैसे हमें ये स्टाइल हमें इसके ऊपर रखना है तो इस पर क्लिक करेंगे और सिंपल इसके ऊपर वाली टाइमलाइन पे ले आएंगे इस तरह से, और इस पर डबल क्लिक करके इसको आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से कोई भी आप टेक्स्ट को सेट कर सकते हो। अब इसको एडिट करना हो तो इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे, जैसे हमारा कोई नाम लिख देते हैं इसके अंदर इस तरह से। इसको एडिट करना हो तो इस पर डबल क्लिक करेंगे इसके अंदर, अगर इसको आप डिलीट करना चाहते हो तो इसको हमारी स्क्रीन से आप बाहर की तरफ रख सकते हो इस तरह से। इस तरह से इसके अंदर काफ़ी सारे टेक्स्ट के इफेक्ट है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपल हमें कुछ नहीं करना है, इसको इस पर क्लिक करना है और इसको सिंपल इस वीडियो के ऊपर रख देना है इस तरह से। इस पर डबल क्लिक करना है और इसको आप एडिट कर सकते हैं। अगर हमें इसको डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा इस तरह से, इस तरह से। इसके बाद ये चौथा ऑप्शन हमारे पास, ये हम इसके अंदर काफ़ी सारे स्टिकर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें वीडियो के अंदर कोई भी स्टिकर ऐड करना हो तो इसको सिंपल क्लिक करना है और इसके ऊपर रख देना है इस तरह से। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, इसकी लेंथ आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे वीडियो के पूरे वीडियो पे रखना है तो इसको पूरा यहाँ तक रखिए, अगर हमें थोड़ा सा चाहिए तो हमें इतना का रख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे शेप के ऑप्शन हैं, जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे, कॉल आउट पर क्लिक करेंगे, ये सारे बहुत सारे इसके अंदर एनिमेटेड क्रॉस के निशान हैं, आप इसको कहीं भी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें ये एनिमेटेड ओवल इसको
वीडियो के ऊपर ऐड करना है तो इसको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है और इसको वीडियो के ऊपर ड्रैग करके ले आना है। इस तरह से आप इसको वीडियो के अंदर कहीं भी रख सकते हैं, जैसे इसको हमें हाईलाइट करना है बड़ा कर सकते हो, इसको छोटा कर सकते हो इस तरह से। अब इसके बाद हमें इस वीडियो को जूम करते हुए आए इस तरह से इफेक्ट देना है, तो इसके अंदर ऑप्शन हमारा यहाँ क्लिक करेंगे, पेन एंड जूम पर क्लिक करेंगे। जैसे हमें जूम इन करना हो तो उस पर जूम इन पर ऐड करेंगे, जैसे इतना एरिया हमें जूम करना है, इस तरह से ये लाइन आ जाएगी। इसको आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, जैसे हम यहाँ तक इस लाइन को बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये जूम स्टार्ट होगा, यहाँ तक रखेंगे तो ये यहाँ तक इसका जूम स्टार्ट होगा। जैसे हम स्टार्टिंग से ले आते हैं और इसको प्ले करते हैं तो ये कुछ इस तरह से जूम होगा, इस तरह से। कंट्रोल जेड से इसको वापस हम हटा भी सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसके अंदर स्टेबलाइजेशन का भी हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है, जैसे हमारी कोई भी फुटेज हमारे पास शेकी है स्टेबलाइज कर सकते हैं, काफ़ी हद तक इसको स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे इस वीडियो को हमें स्टेबलाइजेशन करना है तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से स्टेबलाइजेशन पर क्लिक करेंगे और इसको स्टेबलाइजेशन पर यहाँ से क्लिक करके यहाँ से इसकी एक्यूरेसी, आप शेकिंग ज़्यादा है तो इसको बढ़ा सकते हैं, शेकिंग अगर हमारे पास कम है तो इसको 5 पर रख सकते हैं, शेकिंग ज़्यादा है तो इसको बढ़ा सकते हैं और सिंपल स्टेबलाइज पर क्लिक करना है इस तरह से। जैसे हमारी कोई छोटी क्लिप है तो ये 1-2 मिनट के अंदर स्टेबलाइज हो जाएगी। इसके बाद हमें अप्लाई पर क्लिक करना है और ये हमारी वीडियो स्टेबलाइजेशन हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है क्रोमा की का, जैसे हमारी कोई वीडियो ग्रीन स्क्रीन पे हमारी शूट की हुई है या ग्रीन स्क्रीन पर कोई भी एनिमेटेड क्लिप के अंदर ग्रीन स्क्रीन को हमें हटाना है तो उसको क्रोमा की का इस्तेमाल करके आप उसका ग्रीन स्क्रीन हटा सकते हैं। जैसे ये हमारे पास ग्रीन स्क्रीन की एक क्लिप है इस तरह से, ये क्लिप है, इसमें से हमें ये ग्रीन स्क्रीन हटानी है। यहाँ क्रोमा की पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से, ये इस ग्रीन बटन पर हम क्लिक करेंगे और इस ग्रीन स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे इस तरह से। तो इस तरीके से जो भी इसके अंदर ग्रीन स्क्रीन थी वो हट जाएगी। इसकी ओपेसिटी 50% तक रखेंगे इस तरह से। इसके बाद दोस्तों बात आती है एक्सपोर्ट की, वीडियो की हम एक्सपोर्ट किस तरह से करें, यानी हमारी जो सारे हमने फिल्टर इस्तेमाल कर लिए, सारे टेक्स्ट इस्तेमाल कर लिए, इसके बाद हमें इस वीडियो को निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे, इसको यहाँ से सिंपल एक्सपोर्ट करेंगे और MP4 पर क्लिक करेंगे। यहाँ आप AVI में या MP4 पे हाई क्वालिटी के अंदर इसको निकाल सकते हैं। इसके अंदर क्वालिटी के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है, गुड, हाई और हाईएस्ट। हमें हाईएस्ट पे रखना है, इसे वीडियो का नाम रख देंगे। यहाँ से ब्राउज के अंदर जैसे हमें कहीं फोल्डर के अंदर रखना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से जिस भी ड्राइव के अंदर हमारे पास फोल्डर है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से सिंपल स्टार्ट पर क्लिक करना है इस तरह से। तो ये हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है और वहाँ पे जाके ये वीडियो क्लिप सेव हो जाएगी।
तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो एडिटिंग का बेसिक वीडियो। आगे के वीडियो हमें इससे ऊपर की वीडियो एडिटिंग के बारे में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।